अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूजीलैंड स्पेशल एपिसोड। कल जो लोग रह गए थे उन लोगों को आज क्रिकेट क्लब की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और लोगों को एक उम्मीद थी कि पीसीबी का कोच चला गया, चीफ सेलेक्टर चला गया, पूरा का पूरा साल चला गया, तो ये कराची की पिच क्या चीज है। लेकिन ये तो ऐसे ही नहीं बदली जैसे मैथ्स टीचर का मूड नहीं बदलता। ये क्या बात करता है यार। सुनने में आया था कि पिच पर ग्रास होगी और बॉलर्स को मदद मिलेगी, लेकिन ग्रास तो इतनी भी नहीं थी कि एक दो बकरियां खा सके। कराची की पिच पर ग्रास और हमारी मैच जीतने की आस दोनों ही गायब हो गई बेन स्टोक्स। वैसे हमारे साथ फिरकी हो रही थी, ये तो हमें जब ही समझ जाना चाहिए था जब न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी को पसंद किया। पिच में गड़बड़ हो गई है, ये हमें उस वक्त समझ आ गया था बाबू भैया। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। हमारी अच्छी पिच की उम्मीद को न्यूजीलैंडी ओपनर कॉनवी और लथम ने तड़पा तड़पा के मारा। डेवन कॉनवी और टॉम लथम ने दोपहर के खाने से पहले 100 रन की पार्टनरशिप जोड़ी और अपनी हाफ सेंचुरियां करी। खाना खाने के बाद भी कुछ नहीं बदला था, दोनों बढ़िया दिख रहे थे। नसीम ने इंजरी से वापसी करते हुए न्यूजीलैंड के वनडे विकेट कीपर लथम को तो आउट कर दिया, लेकिन इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि कॉनवे के साथ विलियमसन ने पार्टनरशिप जोड़ ली थी। कॉनवे ने विलियमसन का साथ लेते हुए अपनी एशिया की सरजमीन पर सेंचुरी लगाई। इस साल के वो पहले सेंचुरियन भी बने। विलियमसन के साथ शाम की चाय तक वो पिच पर डटे हुए, लेकिन शाम की चाय के बाद शुरू हुआ द सलमान शो। सलमान ने चाय पीने के बाद पाकिस्तान के लिए एक निहायत जरूरी विकेट डेवन कॉनवे की सूरत में ली। नसीम शाह ने भी निहायत बढ़िया बॉलिंग से केन विलियमसन की बड़ी विकेट लिया। आपको बताते चले कि इससे पहले नसीम दो बार स्मिथ और दो बार रूट को आउट कर चुके थे और आज विलियमसन को दूसरी बार आउट किया। ऐसा करने वाले वो दुनिया के कम उम्र तरीन खिलाड़ी बने। लेकिन उसके बाद सलमान ने जो डेरिल मिशेल को बॉल कराई है ना बाबा, शाहीन द्वारा हेल्स को कराई गई बॉल के बाद पहली ऐसी बॉल थी जिसके लिए दिल से निकला नचिया। अगली विकेट भी सलमान ने ली, हालांकि वो रिव्यू लेने में कंफ्यूज थे, सरफराज भी कंफ्यूज थे, लेकिन बाबर के एंड टाइम बेहतरीन रिव्यू से हमें ये विकेट मिली। देखते ही देखते हमारे बॉलर्स ने आखिरी सेशन में न्यूजीलैंड के 5 खिलाड़ी खड़का दिए। आज न्यूजीलैंड ने 309 रन बना के 6 विकेट खोए। कल उनके लिए खेलेंगे टॉम ब्लंडर। कल आपसे दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद बात करेंगे। फिलहाल आप लाइक के बटन को दबाएंगे, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर देना, छोटा सा चैनल है, सपोर्ट की जरूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।